ये डाउलेंस के नया स्पिनर आया है 9000DWS। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये चल नहीं रहा, नया था तकरीबन 3 महीने हुए इसको। ये देखिए इसके अंदर इन्होंने स्टील का ड्रम भी दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ये था। इसके अंदर इन्होंने इनलेट का वाटर का पंप भी दिया हुआ है, पानी भी आप रिंस भी कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर मैं आया हूँ इसको आके चला रहे हैं तो ये चल नहीं रहा था, तो इसको खोल के जब मैंने देखा ये इसके टाइमर के इतना गर्म है, प्लास्टिक बीच में आ गया, तो ये दोनों पॉइंट आपस में टच ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या करना है, आपने कभी हो तो ये देखिए, ये मैंने पहले चेक किया था, बता दो, ये डोर स्विच की एक आपने हरी वायर और ये रेड वायर डोर स्विच पर लगी, ये निकाल लें। और यहाँ पे जब ब्राउन कलर की तार जा रही है, आपने क्या करा, हरी को इसके साथ शार्ट कर दे चेकिंग करने के लिए। ये टाइमर समझे आपका डायरेक्ट हो गया और ये आपका डोर स्विच भी डायरेक्ट हो गया है। ये अक्सर घर पर हो जाए तो आसान तरीका है कि आप आसानी से चेक कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद जो है आपने क्या करना है कि इसको चला के डायरेक्ट चेक कर लें कि मोटर आपकी ओके है कि नहीं है। तो ये लगा के मैंने चेक किया तो ये देखिए मशीन चल पड़ी है, स्पिनर काम करना शुरू हो गया है। तो ये डोर स्विच डायरेक्ट अब देखे चलता भी रहेगा, ब्रेक की वजह से रुक रहा है, लेकिन डोर स्विच जो है मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ये इस तरीके से आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके कभी घर पर मसला हो, टाइमर ख़राब है, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मोटर ठीक है नहीं, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये देखिए चल रहा है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये देखिए मैंने टाइमर निकाले, ये देखिए करीब से इसके अंदर ये गर्म इतना है कि इसके अंदर प्लास्टिक चिपक गया। इसकी वजह ये होती है कि वोल्टेज कम होते हैं, मोटर अंपेयर ज़्यादा ले रही होती है, तो इस वजह से ये टाइमर अक्सर ख़राब हो जाता है आपका।